हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। माय नेम इज अनन्या सिंह एंड आपकी सीरीज चल रही है किरण बुक की, जिसमें कॉमन एरर्स का टॉपिक चल रहा है। टुडे इज डे 48 ऑफ कॉमन एरर्स, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कॉमन एरर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम किरण बुक। तो गाइस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल दोनों की डेट्स आ चुकी हैं, तो डेली हमें ये सेशन करने हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहे। सेशन की टाइमिंग है डेली 4:30 बजे से। सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है योर क्लासेस। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। उससे पहले देखते हैं कल का होमवर्क। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। आंसर क्या था इसका? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी था आंसर, वेरी गुड। आंसर क्या था इसका? गाइस, रूल ये होता है कि नीदर के बाद प्लूरल, तो नीदर के बाद जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, वो प्लूरल आता है। नीदर के बाद नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। दिस इज द रूल। सो गर्ल्स प्लूरल है, सही है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, मतलब वर्ब नहीं होगा, वॉज होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 वॉज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन। उससे पहले गाइस, रूल्स जान लीजिए। हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मेरे साथ, 10 सेकंड्स खुद को देने हैं। कैसे? जैसे ही मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 700, आप स्क्रीन को पॉज करोगे, 10 सेकंड्स लोगे, मैक्सिमम 10 सेकंड्स लोगे। 2-3 सेकंड में आंसर हो जा रहा है, वेल एंड गुड। आंसर करोगे एंड कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि मैम इस पार्ट में है एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव टू गिव योरसेल्फ +1 एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट यू हैव टू डिडक्ट 0.5 मार्क्स। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 700 पे। क्या बोल रहा है? अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास। जल्दी से आंसर बताइए। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बुक, ये तो यार देखते ही पता चल रहा है, इसमें तो एक सेकंड का टाइम लगना है। जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी फर्स्ट वर्ड पे, आप समझ जाओगे अ इंटरेस्टिंग बुक नहीं, एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि इंटरेस्टिंग वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 701। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। जल्दी से आंसर बताइए। मेनी पुअर्स, अब आप बताइए, पुअर हमारा एडजेक्टिव होता है, तो क्या आप एडजेक्टिव को कभी प्लूरल फॉर्म में लिखते हो? नहीं लिखते हो। मेनी पुअर की जगह क्या हो जाएगा? मेनी पुअर पीपल। इसको नाउन बनाना है, मेनी पुअर पीपल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर फॉर 701। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 702 पे। आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। जल्दी से आंसर बताइए। आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पहले आर्टिकल लगेगा, इंडेफिनेट आर्टिकल अ। आई वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे किरण बुक के सेशंस चल रहे हैं एंड एसएससी के एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं। तो आपको अगर कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ इंग्लिश ही करनी है, सो दिस चैनल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। क्लियर है? बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो फिर आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज 703। वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। 703, फटाफट से आंसर बताइए। 703 गाइस, कोई एरर नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, नो एरर। अब बताइए 704 का क्या आंसर होगा? द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लाउन। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लाउन। क्लाउन गाइस, कुछ अलग सा रूप लेना बच्चों को हंसाने के लिए या किसी को भी हंसाने के लिए, उसको क्लाउन बोलते हैं। क्लियर है? कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, नो एरर इज द आंसर। क्लियर है गाइस? अब बढ़ते हैं 705 पे। हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई विल रीच हेयर इन टाइम फॉर द फंक्शन। मतलब क्या निकल रहा है? अगर प्लेन लेट नहीं होता तो मैं यहाँ फंक्शन में पहुँच गया होता। कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई वुड हैव। हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट अगर यूज है कंडीशनल क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में क्या यूज होता है? वुड हैव। आई वुड हैव रीच्ड हेयर इन टाइम फॉर द फंक्शन। सो आई विल रीच को रिप्लेस करेगा वुड हैव रीच्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 706। इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज।
अब बताइए सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है? सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को मैंने आपको पहले ही बताया है कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। सो सीनरी, सीनरीज प्लूरल नहीं होगा, सीनरी का प्लूरल होगा सीनरी, सीनरी का प्लूरल सीनरी ही होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है? स्कोर अपडेट करते चलिएगा, लास्ट में अपना स्कोर मुझे हर स्टूडेंट बताएगा। क्लियर है गाइस? शी वॉज इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। गाइस सेशन को जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। शी वॉज इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। अब मैंने आपको बताया था जब दो इवेंट्स पास्ट में होते हैं तो जो इवेंट उनमें से पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। सेंस क्या निकल रहा है? जब डॉक्टर को भेजा गया था तो वो ऑलरेडी 5 दिन से बीमार थी, तो मतलब बीमार वो पहले से थी, डॉक्टर बाद में आए थे, लेकिन डॉक्टर का आना ही जब पास्ट टेंस है तो मतलब उसका बीमार होना पास्ट परफेक्ट है। तो शी हैड बीन इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्लियर है गाइस? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 708 पे। द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। जल्दी से बताइए, द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। अब गाइस इंक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। क्या यहां पर पूछताछ करने का सेंस बन रहा है? सीज फायर का मतलब होता है किसी युद्ध को स्टॉप करना, सस्पेंशन ऑफ अ वॉर यू कैन से, है ना। सीज फायर का मतलब स्टॉप करना किसी वॉर को, एंड इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। इंक्वायर्ड की जगह गाइस यहां पर आएगा अपील्ड। अपील का मतलब होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट। अपील इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन दिस कंटेक्स्ट। तो द यूनाइटेड नेशंस अपील्ड फॉर अ सीज फायर। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज 709। घाना, नाइजीरिया एंड गाम्बिया Each have parts to play in the development of Africa. 709 का आंसर बताइए जल्दी से। अब गाइस यहाँ पे एक छोटा सा idiom आ रहा है, have a part to play। idiom क्या होता है? have a part to play का मतलब होता है गाइस to be able to help, किसी की मदद करने के लायक होना, किसी की मदद कर पाना, उसको बोलते हैं have a part to play। सो पार्ट्स की जगह हो जाएगा अ पार्ट, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ये idiom नोट कर लीजिएगा गाइस। रूल बुक मैंने आपको बताई है, छोटी सी नोटबुक बनानी है आपको रूल बुक, मेरे साथ कॉमन एरर्स करते चलिए CHSL तक, CGL तक, जैसे जब से पेपर होने हैं उससे पहले आपके कंप्लीट ग्रामर नोट्स प्रिपेयर होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया आप रूल सीख रहे हो और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 710 पे। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 rupees नोट विल नॉट बाय यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। रूल कहता है गाइस जब ऐसा हमारे पास एडजेक्टिव और नाउन का केस आता है जो हाइफन से जुड़ता है, 10 rupees को यहाँ पर हाइफन से जोड़ेंगे। एक और चीज़, जब भी यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है, न्यूमेरिक एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्मेट आता है, तो जो बीच वाला नाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन का केस आता है, बीच वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इट शुड बी 10 rupee note। 10 rupee note और 10 और रुपी के बीच में हाइफन लगेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 711 पे। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या होगा इसका 711 का। अब बताइए अर्थक्वेक आता है तो आपको अर्थक्वेक सुनाई पड़ता है या अर्थक्वेक महसूस होता है? अर्थक्वेक को हम महसूस करते हैं, सो हर्ड की जगह पर हम लिखेंगे फेल्ट, FELT, फेल्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अर्थक्वेक महसूस करते हैं ना कि सुनते हैं। अब गाइस घर बैठे तैयारी करनी है, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे खुद से प्रैक्टिस करने के, प्लस उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे कहाँ? हमारी डिजी बुक्स पे। आपको सिर्फ योर क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है या फिर विजिट करना है store.yourclasses.in। इस टाइम अगर आप कोड यूज कर रहे हो buy10 तो यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज 712. ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम. 712 का आंसर बताइए फटाफट से. मतलब क्या है कि वो चलता तो ऐसे है कि जैसे पूरी दुनिया ही उसी की है. बिल्कुल सही है, बिलोंग्ड, क्योंकि हाइपोथेटिकल केस है, ऐसे कि लगता है कि पूरी दुनिया उसकी है, असल में नहीं है लेकिन ऐसा लगता है, इस वजह से बिलोंग्ड यूज होगा. ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, नो एरर. ठीक है, अब आते हैं 713 पे. मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली. जल्दी से बताइए आंसर. इम्पॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसमें. मैनी अ, जब भी मैनी अ के बाद नाउन आता है, मैनी अ प्लस नाउन, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, याद रखिएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है. सो मैनी अ मैन हैज कम टू इंडिया. क्लियर है, मैनी अ मैन हैज कम टू इंडिया. ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर. स्कोर अपडेट हो रहा है ना, फटाफट से स्कोर अपडेट करिए और मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा अपना स्कोर. अब 714. Our football team comprises of 11 skilled players. अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले रखा है जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाली हूँ. सो ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आता है, तभी सेशन में भी मैंने आपको बताया था. कंप्राइजेस का मतलब होता है गाइस कंसिस्ट ऑफ. कंप्राइजेस का मतलब ही है कंसिस्ट ऑफ, उसके मीनिंग में ही ऑफ आ रहा है, तो इसके साथ ऑफ यूज़ नहीं होता है. कंप्राइजेस के बाद प्रीपोजिशन ऑफ नहीं यूज होता है, सो ऑफ विल बी रिमूव्ड एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 715. नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड. आंसर फटाक से बताइए क्योंकि एकदम सामने समझ में आ रहा है आंसर क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नॉलेज एंड विजडम दो नाउन हो गए, प्लूरल हो गए दो मिलकर, तो मेक्स क्यों आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा विच इज मेक. सो नॉलेज एंड विजडम मेक एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट. ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर. अब 716 बताइए. वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल. वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल. आंसर बताइए इसका फटाफट से. अब गाइज इसका रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो इसके बाद आपसे कभी इसमें गलती नहीं होगी. वन ऑफ द के बाद जनरली हमें यही रूल पता है कि भाई नाउन तो प्लूरल लगेगा लेकिन आगे वर्ब सिंगुलर होगा. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि चलो गिव को गिव्स कर दें. ठीक, लेकिन गाइज वन ऑफ द के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि इसका सेंस क्या निकल रहा है. सेंस क्या निकल रहा है, हिंदी में इसको समझते हैं. वो उन बॉयज में से एक है जो हर क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, जो हमेशा सही आंसर देते हैं. सैमुअल उन बॉयज में से एक है जो हर क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, हर क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं. अब जो यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, इन बॉयज के लिए. तो यहाँ पर हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यूज हो रहा है इन बॉयज के लिए जो हमेशा सही आंसर देते हैं. सो दिस इज नो एरर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर ये सैमुअल के लिए यूज हो रहा होता तो सिंगुलर वर्ब होती, लेकिन ये बॉयज के लिए यूज हो रहा है. सो गिव ही सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. अब गाइस आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर. जल्दी से मैं भी तो देखूं आप लोग को समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, रूल्स पता हैं आप लोग को या नहीं. फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए. एंड कल फिर मिलते हैं सेम चैनल पे सेम टाइम पे. वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.